नहीं, स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे लोग जो अभी नोटिस आया है, NTPC का जो नोटिस आया है, जिसमें कि कुछ जो दिन है उसका जो एग्ज़ाम है, यानी कि 27 का जो इलेक्शन होने वाली है असम में, तो उस दिन जो आपका NTPC का एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दी गई है और बात की जा रही है कि सिक्स्थ फेज में उसको शेड्यूल किया जाएगा। तो जो ग्रुप बी वाले बंदे हैं उनको ये डर लग रहा है कि पूरा अप्रैल तो जो ये आपका बंगाल है उसमें इलेक्शन होगा। 2 मई तक, यानी कि 2 मई तक आपका ये इलेक्शन जाएगा, बंगाल इलेक्शन, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ग्रुप डी के एग्ज़ाम पे। क्या क्या आपका जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो आगे बढ़ सकती है क्या? यही सब तमाम चीज़ें आपके मन में चल रही है, ठीक है। इन सभी चीज़ों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे और रीज़न बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम आदर्श ग्रुप बी का कब तक चालू हो सकता है। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि आपके लिए मॉक टेस्ट लाया है टेस्ट बुक, जो कि 299 में मिलता है, लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ERMANISH यूज करते हैं, ERMANISH, ये एक साथ लिखना है, ये यूज करते हैं तो ये 299 वाला चीज़ है 269 में मिल जाएगी, यानी कि 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें एक साल तक कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप फ्री हैं कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, अनलिमिटेड PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको भी पता है कि PDF को कोई शेयर करता है, PDF को कोई देता है तो आपसे कितना पैसा वसूलता है, महीने में 100 100 200 200 रुपया वसूल लेता है। तो यही 269 में आपको सब चीज़ अनलिमिटेड मिल जाएगी, प्लस क्वालिटी बेस्ट मिलेगी। क्वांटिटी तो ऑब्वियस है कि 12,000 मॉक टेस्ट है 269 रुपया में, तो काफ़ी हो जाता है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो एक बार इसमें जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है तो आप ये वाला ERMANISH कूपन कोड यूज कीजिएगा, हैव कूपन कोड एक ऑप्शन रहेगा, हैव कूपन कोड, उसमें क्लिक करके ये वाला टाइप कीजिएगा, ठीक है। बात कर रहे थे RRC ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो कब तक चालू हो सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो चालू होने की संभावनाएं आपके जो मिड मई है वो एकदम से प्रॉपर दिख रही है, क्योंकि आपका जो बंगाल का इलेक्शन है 2 मई तक चलेगी, और मई तक चलेगी तो ऑब्वियस है, पहले से भी कहा जा रहा था कि जो एक पहले से कि 15 अप्रैल तक आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं, तो वो तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी 6th फेज के शेड्यूल भी नहीं आए, और 6th फेज के जो शेड्यूल आएंगे उसमें बंगाल इलेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे दिन जो अप्रैल है उसमें बंगाल में इलेक्शन है। तो उसको देखते हुए अपना जो 6th फेज का शेड्यूल है RRB NTPC वो बनाएगी। तो ये आप मान के चलो कि पूरा अप्रैल तो वो NTPC में ही घुसेड़ देगी, वो अलग बात है कि अगर वो चाहे तो 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट करा ले, क्योंकि उतने बच्चे हैं नहीं। लेकिन आपको भी पता है कि RRB NTPC में जिस तरह के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एकदम से ट्रेन की तरह लंबा खींच रहा है, तो उसको मतलब कि ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो आपका RRB NTPC का एग्ज़ाम है वो पूरा अप्रैल खींच लेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस से बचता है आपके पास मई, बचता है तो मई में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, ये तो सही है, लग रहा है कि आपके मई में RRC ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही ख़त्म हुआ जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो सकता है, 15 दिन मुझे लग रहा है कि मिनिमम आपको टाइम मिलेगा RRC ग्रुप डी के लिए। तो ये चीज़ें हैं, वो अलग बातें हैं कि 2 मई के बाद आपके इलेक्शन का रिजल्ट भी आएगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आना ना आना वो तो अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे इम्प्लाई की मतलब कि रिजल्ट में इम्प्लाई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ काउंटिंग वगैरह में होती है, तो वो कम इम्प्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जितना वोटिंग में इम्प्लाई की ज़रूरत पड़ती है उससे बहुत कम काउंटिंग में इम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये तो जो एग्ज़ाम है वो TCS कंडक्ट कराती है, तो फिर इम्प्लॉय का इसमें क्या जोड़ रहे हैं, सरकारी इम्प्लॉय का क्या जोड़ रहे हैं? भाई ऑब्वियस है कि जो TCS कंडक्ट कराती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि TCS कंडक्ट कराती है तो उसका इफेक्ट इलेक्शन पे नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं गाड़ी वगैरह बंद रहता है, आपको भी पता है कि इलेक्शन के समय गाड़ी वगैरह बंद रहता है, बच्चे सफ़र कर जाएंगे ना, ट्रैवलिंग कैसे करेंगे, तो इस वजह से जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन करना पड़ता है या आगे शेड्यूल करना पड़ता है, ठीक है ना। ये डीप मैटर है, उसको अंदर हम नहीं जा रहे हैं कि क्यों पोस्टपोन करता है, क्यों आगे शेड्यूल करता है, वो अलग बात है कि इलेक्शन अगर आएगा तो आपका एग्ज़ाम हो पे मतलब कि नहीं ही होगा, क्योंकि इलेक्शन ज़रूरी है, आपका एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश के नेता और देश के मतलब कि जो देश चलाते हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए इलेक्शन ज़रूरी है, सरकार बनना ज़रूरी है, आपका कोई भी एग्ज़ाम आए, आपका कोई भी ज्वाइनिंग आए, उससे मेरे को मतलब नहीं है।
मतलब कि होते रहेगा, आपका एग्ज़ाम तो होते रहेगा, बरसों का ये पंचवर्षीय योजना है, 10 वर्षीय योजना है आपके एग्ज़ाम का, तो वो अलग बात है, वो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि अभी से माइंड मेकअप करके चलिए कि जो आपका एग्ज़ाम है आदर्श ग्रुप डी का, वो 15 मई के अराउंड ही होगा, ठीक है, मई के 15 मई के अराउंड ही होगा, 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद में हो जाए वो अलग मैटर है, लेकिन एक एग्जैक्ट डेट तो मैं भी नहीं बता सकता ना, कोई भी नहीं बता सकता कि कब होगा। हाँ, एक अप्रोक्स बता सकते हैं कि इतना के अराउंड होगा, ठीक है। आप क्या सोचते हैं कि ये बंगाल इलेक्शन के चलते इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? कि मुझे लग रहा है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो इफेक्ट पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी पे पड़ेगा, ग्रुप डी पे नहीं पड़ेगा। ग्रुप डी का जो मुझे लग रहा है कि हमेशा से मैं बोलता आ रहा हूँ कि आपके मिड मई में स्टार्ट हो सकते हैं, उसी के अराउंड होंगे, अगर सभी चीज़ें सही रही तो। ये नहीं कि मोदी जी बीच में आके 8 बजे बोल दें कि अब आपका कोई मतलब कि वो एग्ज़ाम ही नहीं होगा, अब सब ठेके पे दे दिया, तो वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि वो कभी भी कुछ भी बोल देंगे, तो वो अलग मतलब कि मुद्दा है। लेकिन अगर हम अभी के ट्रेंड के अनुसार माने या अभी के सिनेरियो के अनुसार माने, तो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, बिल्कुल होगा, आप तैयार रहिए, क्योंकि कभी भी आपके हो सकता है फर्स्ट फेज में ही आपके एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। तो उस समय आप ये नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ था एनटीपीसी में, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब तो एग्ज़ाम ही नहीं होगा, और सडनली आ गया, तो बहुत सारे लोग मैसेज करने लगे कि सर हमने तो पढ़ा नहीं, अब क्या होगा, कैसे करेंगे, मतलब कि बहुत सारे एकदम से दिमाग पे बर्डन ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी से मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि आप अभी से पढ़ते रहिए, क्योंकि कभी भी आपके एग्ज़ाम के जो डेट है वगैरह ये सब निकाले जा सकते हैं, क्योंकि अब जो एनटीपीसी है वो लास्ट फेज के कगार पे आ गई है, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिमाइंड कर दें कि टेस्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 वाला चीज़ है, 269 में मिल जाएगा अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जो भी आपके मन में क्वेरी है, जो भी आपके मन में डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि क्या होता है कि मैं कमेंट में उतना रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि थोड़ा बिजी शेड्यूल रहने की वजह से मैं उतना कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। हाँ, आप अगर कोई चीज़ मुझे शेयर करना चाहते हैं, कोई पेपर कटिंग हो या आरटीआई का रिप्लाई हो, तो मैं कमेंट बॉक्स है वहाँ पे मैं एक फेसबुक का पेज पिन कर दूंगा, तो उस फेसबुक पेज को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ आपके आरआरबी एनटीपीसी के CBT 2 के लिए कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो आपको वो सब चीज़ें फ्री कॉस्ट मिल जाएगी, और वहाँ पर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होती है, तो आपको वहाँ पर कोई इरीटेशन वगैरह नहीं होगी। कहीं ये यूट्यूब में तो एडवर्टीजमेंट वगैरह हो जाती है, तो आपको इरीटेशन होती होगी, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं भी फेस करता हूँ, लेकिन क्या करें, पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता ना। आप सोचते हैं ये एडवर्टीजमेंट ही तो है जो हमें और आपको बॉन्ड करता है, यानी कि थोड़ा मोटिवेट मुझे करता है और आपको मुझसे बॉन्ड करता है, ठीक है। तो अगर फेसबुक पेज पे जुड़ना चाहें तो उसका भी मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और पिन भी कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो उस पेज से जुड़ जाइएगा। स्टडी विथ ER मनीष नाम से एक फेसबुक पेज आपके लिए मैंने बनाया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।